लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। विलियम शेक्सपियर एक बड़े ड्रामाटिस्ट थे, उनके लिखे हुए बहुत सारे ड्रामे आज भी स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं। शेक्सपियर ने कुछ पोइट्री भी की है और इस पोएम में शेक्सपियर ने दुनिया का कंपैरिजन एक स्टेज से किया है जहां लोग आते हैं, अपना रोल को परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। शेक्सपियर ने एक आदमी की ज़िंदगी को 7 स्टेजेस या 7 एक्ट्स में डिवाइड किया है। इस पोएम में शेक्सपियर कहता है कि ऑल द वर्ड्स आर स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। ये दुनिया एक स्टेज है और तमाम मर्दों ख़वातीन महज उसके किरदार हैं। इस स्टेज के दाखिली और ख़ारजी रस्ते हैं और एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कई किरदार निभाता है। इज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, एट फर्स्ट द इन्फेंट मूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्सिस आर्म एंड देन विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। और इंसान अपनी ज़िंदगी में कई किरदार निभाता है, 7 किरदार अदा करता है। सबसे पहले वो एक शीरख्वार बच्चा है जो अपनी नर्स के बाजुओं में नहीं आवाज़ में रोता है और दूध की कह करता है, यानी दूध की उल्टी करता है। फिर एक बोझल दिल के साथ बैग उठाए स्कूल जाने वाला बच्चा बन जाता है, बड़ी मासूमियत के साथ और सुस्त रवि से। अनविलिंग टू स्कूल एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओस एंड वियर्ड लाइक अ पार्ड। ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है, फिर एक आशिक बन जाता है जो एक आग वाली भट्टी की तरह दुखी गीत गाकर फिराक से आहें भरता है। वो गीत जो उसने अपनी महबूबा की आंखों की तारीफ के लिए लिखा होता है। फिर वो एक अमली इंसान बन जाता है, यानी प्रैक्टिकल हो जाता है, जिसने अजीब वादे किए होते हैं और उसकी दाढ़ी पतली सी होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड वियर्ड लाइक द पार्ट जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल सीकिंग द बबल रेपुटेशन इज्जत पर कोई समझौता ना करने वाला लड़ने में तेज़ और इस दुनिया की आर्जी कामयाबी के पीछे भागता है। इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस यहाँ तक कि उसे मौत का ही सामना क्यों ना करना पड़े, फिर वो एक साना आदमी बन जाता है। इन फेयर राउंड बैले विद गुड कैप्शन लाइन विद आईज सीवियर एंड बियर्ड अ फॉर्मल कट दावतें खा खा कर उसका पेट गोल मटोल सा हो जाता है, आंखों में सख्ती आ जाती है और दाढ़ी रस्मी सी रख लेता है। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेज एंड सो ही प्लेज इज पार्ट द 6 एज शिफ्ट बात बात पर जदीद किस्म की मिसालें और कहावतें बयान करता है। इस तरह अपने किरदार निभाता है और 6ठी उम्र के हिस्से में आ जाता है। इन टू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालूंस विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड एक दुबला पतला चप्पल पहने कमज़ोर सा इंसान आँखों पर चश्मा और एक तवील घुटली के साथ फॉर इज श्रिंक शैंक एंड इज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टू आवर चाइल्डस ट्रेबल पाइप्स क्योंकि उसकी पिंडलियाँ सुकड़ गई हैं और उसके बारोब आवाज़ में दोबारा बच्चों जैसी तोतलाहट आ गई है, यानी बूढ़ा हो गया है। एंड विसल इन हिज साउंड लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड स्ट्रेंज इवेंटफुली हिस्ट्री बोलता तो मुँह से सीटी बज जाती है, 7वीं उम्र आखिरी हद है और यहाँ पर इसकी भरपूर गुजारी हुई ज़िंदगी को लगाम लग जाती है। इस सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ऑब्लिवियन सेंस टीथ सेंस आइज सेंस टेस्ट सेंस एवरीथिंग अब वो एक भुलक्कड़ बच्चा सा बन जाता है बिना दांतों के, बिना आँखों की रोशनी के, बिना जायके के और तमाम ज़िंदगी के लवाजमात से मुबर्रा हो जाता है।